दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ फिसल कर इंजर्ड हो जाते हैं और फिर डिसेबल हो जाते हैं, और इनमें से 90% लोग हमेशा के लिए डिसेबल हो जाते हैं। और दोस्तों ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हर जगह पे फ्लोर टाइल्स या फिर मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेसिडेंशियल प्लेसेस हो गया, विला हो गया, होटल हो गया, मॉल्स, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, बाथरूम, स्टेयरकेस, बालकनी, किचन, टेरेस, वॉशरूम वगैरह वगैरह, हर जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ये सभी जगह सूखी रहती है तब तक तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे गीली होती है ये स्लिपरी हो जाती है। ऐसे में कई सारे लोग कहते हैं कि हमने नॉन स्लिप टाइल्स लगवाई है, लेकिन उसके बाद में भी जब वो गीली होती है तो स्लिपरी हो ही जाती है। इसके अलावा दोस्तों फर्श अगर गीला होगा, ऑयली होगा, सर्फ या साबुन का पानी भी गिरा होगा, उसके बाद भी इगुआना ग्रिफ फिसलने से बचाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और साथ ही साथ में खुद भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया बिजनेस आइडिया, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या स्टार्टअप आइडिया से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है इगुआना ग्रिप। देखिए दोस्तों, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में लगभग 26.8 मिलियन लोग डिसेबल है, जिनमें से 22 मिलियन लोग सिर्फ पैर फिसलने और गिरने की वजह से डिसेबल हुए हैं, और ऐसे लोगों में 90% लोग परमानेंटली डिसेबल हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये फिसलने वाली जगह ऑफिस, मॉल, स्कूल, कॉलेज या फिर रोड भी हो सकती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ार प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है इगुआना ग्रिप, जो कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे फ्लोर पर लगाकर लोगों को फिसलने से बचाया जा सकता है। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड और इगुआना ग्रिप के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत आज से 13 साल पहले बैंगलोर में हुई थी, जो अपने नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, और इनके बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए इन्हें ISO 9001 और 2008 सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। साथ ही दोस्तों ये कंपनी CE सर्टिफाइड भी है। इस कंपनी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है इगुआना ग्रिप। ये ADA यानी कि Americans with Disabilities Act के द्वारा अप्रूव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एक तरीके का नॉन स्लिप प्रोडक्ट है। बता दूं दोस्तों कि इगुआना ग्रिप इंडिया का पहला नॉन स्लिप प्रोडक्ट है और इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इसे हर तरह के फ्लोर्स पे यूज किया जा सकता है, जैसे कि टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट वगैरह वगैरह। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इगुआना ग्रिप एक बार लगाने के बाद 4 से 6 साल तक चलता है और कंपनी 2 साल तक की गारंटी भी देती है। इसके अलावा इगुआना ग्रिप की सबसे खास बात यह है कि इसे फ्लोर पे लगाने के बाद भी फ्लोर वैसा ही दिखता है जैसे वो इसे लगाने से पहले था, या फिर थोड़ा मैट फिनिश हो जाता है। ये फ्लोर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का ये प्रोडक्ट इंडिया की कई सिटीज में फिलहाल बेचा जा रहा है, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पांडुचेरी, रायपुर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, पुणे और कोयम्बतूर। इसके अलावा कंपनी की ब्रांचेस कई और भी कंट्रीज में अवेलेबल है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतार, मलेशिया, नेपाल, अफ्रीका वगैरह वगैरह। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इगुआना ग्रिप है ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये 13 साल से मार्केट में है और अब तक लाखों लोगों को फिसलने से बचाकर उनकी लाइफ को सेव कर चुका है। और फिलहाल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने और लोगों को एक नया बिजनेस देने के ये पैन इंडिया लेवल पे फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। अब दोस्तों अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो इस तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत हर जगह पे है, लेकिन अगर हम सिर्फ घरों की बात करें तो इंडिया के अंदर 300 मिलियन से ज्यादा घर है और हर घर में कहीं ना कहीं स्लिपरी फर्श तो होगा ही होगा। इसके अलावा ऑफिसेज एंड मॉल्स की बात की जाए तो इंडिया के अंदर उनकी संख्या भी लाखों में है। अब दोस्तों इगुआना ग्रिप पहला ऐसा प्रोडक्ट है तो स्कोप का तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, और मैं आपको बता दूं इगुआना ग्रिप के साथ आप 3 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रेंचाइजी लेकर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, और तीसरा डीलरशिप लेकर। अब बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ते हैं और लोगों को इगुआना ग्रिप की सर्विस देते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 2 तरीके से प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट सेल कर देंगे और लोग खुद ही अपने घर के फ्लोर पे या जहां कहीं भी वो लगाना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं, और दूसरा आपको प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी देनी होगी। सो उसके लिए आप चाहें तो खुद भी सर्विस दे सकते हैं और चाहें तो इसके लिए एम्प्लॉय भी रख सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा कंपनी की तरफ से उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप चाहें तो ये इगुआना ग्रिप को कैसे लगाना है इसका प्रोसेस इस फोटो के जरिए भी समझ सकते हैं, जो कि काफी आसान है। देखिए सबसे पहले आप जिस भी सर्फेस पे ये अप्लाई करना चाहते हैं उसे अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना है और उसके बाद में उसे पोंछ लेना होगा। फिर स्पंज की मदद से उसे फ्लोर पर अप्लाई कर देना है और इसे सूखने के लिए छोड़ देना है, और जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तो उस फ्लोर को ब्रश की मदद से स्क्रब करके धोना है, और इस तरह से आपका फ्लोर नॉन स्लिप बन जाएगा। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो इगुआना ग्रिप की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तो ये यूनिक प्रोडक्ट है, साथ ही साथ में इसकी डिमांड हर जगह पे है, तो अगर आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो आपको
अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इगुआना ग्रुप के साथ जुड़ना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला, नो प्रोडक्ट मेंटेनेंस। इगुआना ग्रुप वैसे तो नॉन मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद में भी अगर कस्टमर को चिंता होती है तो उसके लिए भी कंपनी एक वाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो आप वो भी कस्टमर को दे सकते हैं जिससे इगुआना ग्रुप को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर मिल जाएगी। दूसरा, नो स्पेसिफिक स्टोरेज रिक्वायर्ड। इगुआना ग्रुप को स्टोर करने के लिए आपको किसी भी तरीके के स्पेसिफिक जैसे कूल प्लेस या हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तीसरा, यू कैन सेव पीपल्स लाइफ। अब देखिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, पर साथ ही साथ में आप अपने आसपास के लोगों को इंजर्ड होने से भी बचा सकते हैं, और इसकी डिमांड कहां कहां होगी ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा, बिग कंपनीज आर क्लाइंट्स। देखिए दोस्तों, ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड आज के टाइम में टाटा, ताज होटल, आईटीसी और टाइटन जैसी 25-30 बड़ी कंपनीज को सर्विस दे रहा है, और इनको ISO 9001, 2008 साथ ही CE एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जैसे कई सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स आप पे आंख बंद करके भरोसा करेंगे। पांचवा, गारंटी। दोस्तों वैसे तो इगुआना ग्रुप एक बार कहीं पे भी अप्लाई कर दिया जाए तो वो 4-5 साल तक टिकता ही टिकता है। सो कंपनी इसके लिए गारंटी भी देती है। रेजिडेंशियल एरिया में 2 साल की गारंटी होती है और इंडस्ट्रियल एरिया में 1 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से मिलती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर आप ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सबसे पहला, नो रॉयल्टी फीस। देखिए, ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की रॉयल्टी फीस नहीं देनी होगी। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको सिर्फ एक बार फ्रेंचाइजी फीस देकर प्रोडक्ट लेना होगा, उसके बाद में 1-2 साल तक आपको इन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और दोस्तों, जब 1-2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वापस से चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो, और एरिया एक्सक्लूसिव करना होगा। अब दोस्तों, एरिया एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आपको वापस से अपने एरिया में या जिस भी एरिया में आप फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद में कंपनी किसी और को उस एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं देगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, उन्हें बस प्रोडक्ट खरीदने होंगे और उनको बेचना होगा, कोई भी रॉयल्टी फी देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही एरिया एक्सक्लूसिव करना होगा। दूसरा, ट्रेनिंग सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कहां रखना है, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। इसके अलावा सॉल्यूशन अप्लाई करने के लिए अगर आप खुद या किसी को एज एन एम्प्लॉय रखते हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा, मार्केटिंग सपोर्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केटिंग सपोर्ट कंपनी फिलहाल सिर्फ फ्रेंचाइजी लेने वालों को ही प्रोवाइड कर रही है। चौथा, लीड सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको आपके एरिया के अंदर लीड जनरेट करने में भी कंपनी आपको हेल्प करने वाली है। पांचवा, नेटवर्क एक्सपांशन। दोस्तों, यहाँ पे जो लोग फ्रेंचाइजी लेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और सब डीलर को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे वो डीलर्स और सब डीलर को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और जो डीलर्स बनेंगे वो सब डीलर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें रिक्वायरमेंट की तो आपको अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस की। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर पाए और अपनी फ्रेंचाइजी रन कर पाए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर डीलरशिप लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस रख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें एम्प्लॉयज की, तो आपको सर्विसिंग के लिए एक एम्प्लॉय हायर करना होगा जो लोगों के घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसकी सैलरी भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कंपनी आपको सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, आप चाहे तो सर्विसिंग का काम खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला होता है सेल्फ किट, जिसे लोग खरीद कर अपने घर में खुद ही अप्लाई कर पाएंगे, और दूसरा होता है सर्विस किट, इसकी मदद से आप लोगों को अप्लाइंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे सिर्फ GST नंबर, रेंट एग्रीमेंट और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसके बारे में कंपनी की तरफ से आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि अगर आप ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे 2 लाख रुपए पे करना होगा, और इनिशियल स्टॉक खरीदना होगा 5 लाख रुपए का, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 7 लाख रुपए। और अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनिशियली आपको स्टॉक परचेस करना होगा 3 लाख रुपए का, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख रुपए। और अगर आप इनके डीलर बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनिशियल स्टॉक आपको 1 लाख रुपए का परचेस करना होगा। सो मतलब 1 लाख रुपए से आप इनके डीलर बन सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कंपनी आपको एरिया एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग 1 से 2 लाख तक की फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करती है, साथ ही आपको टारगेट दिया जाता है। सो अगर आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो जब आप फ्रेंचाइजी रिन्यू करवाएंगे तो आपको वापस से फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों, पर मंथ आपको कितना माल खरीदना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए का माल तो आपको पर मंथ खरीदना ही होगा।
इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 50,000 रुपये का माल आपको खरीदना होगा, और अगर आप डीलर बनते हैं तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको कम से कम इतना माल तो खरीदना ही है। अब दोस्तों, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और आरओआई कब तक रिकवर हो जाएगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन भी फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स को अलग अलग मिलेगा, जो कि सेल्स और सर्विस के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सेल्स के ऊपर आपको मार्जिन मिलने वाला है 45% का, सर्विस मार्जिन आपको मिलने वाला है 90% से लेकर 100% का। वहीं अगर आप इनके साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके जुड़ते हैं तो सेल्स मार्जिन आपको मिलेगा 35% का और सर्विस मार्जिन आपको मिलेगा 80-90% का। इसके अलावा अगर आप इनके साथ एज ए डीलर बनके जुड़ते हैं तो आपको सेल्स मार्जिन मिलने वाला है 25% का और सर्विस मार्जिन मिलेगा 70-80% का। सो दोस्तों, अगर आप भी ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो आपको 100% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही आपको एक और चीज बता देना चाहूंगा, ज़ार लैब प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ इग्वाना ग्रिप ही नहीं बल्कि और भी कई सारे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है, जैसे फॉर ग्लास, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसे ग्लास पर लगाकर उसे डस्ट, वाटर और ऑयल रिपेलेंट बनाया जा सकता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल विंडशील्ड, बिल्डिंग का फसाद ग्लास और बाथरूम के ग्लास पार्टीशन जैसी हर जगह पे यूज किया जा सकता है, मतलब दोस्तों जहां पे भी कांच का यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, फॉर ग्लास लगाने के बाद में ग्लास हमेशा साफ साफ दिखता है, आपके ग्लास का रख रखाव करना आसान होता है और रख रखाव की लागत भी कम हो जाती है। साथ ही एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है नो एंट्री, इसे फ्लोर पर लगाने से फ्लोर पर नमी नहीं होती, ये सतह में प्रवेश करता है और पानी और अन्य तरल के अवशोषण को रोकता है और किसी भी दाग से बचाता है। सो आप कंपनी से ये प्रोडक्ट भी लेकर सेल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इग्वाना ग्रिप की फ्रेंचाइजी के साथ साथ ये प्रोडक्ट भी लेते हैं तो इनके लिए आपको किसी तरीके की एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये प्रोडक्ट डीलर प्राइस या फ्रेंचाइजी प्राइस में ही मिल जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी दे दिया और साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिए, तो वहां से लेके आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो उसे भी सॉल्व करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आप भी बिजनेस शुरू करना नहीं चाह रहे, कोई और बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो इस बिजनेस को शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी आप यहां पे देख पा रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।